हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण। माया के इस पहले चैप्टर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माया के पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे माया के इंटरफेस के बारे में। माया का इंटरफेस काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जिन्हें हम यूआई एलिमेंट्स यानी कि यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स कहते हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे मीनू बार से। मीनू बार के नीचे आपको मिलेगा स्टेटस लाइन, इसके नीचे है शेल्फ टैब्स, शेल्फ बटन्स। लेफ्ट कॉर्नर में आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा टूल बॉक्स, राइट कॉर्नर पे चैनल एडिटर। फिर है टाइमलाइन, टाइमलाइन के नीचे रेंज स्लाइडर, उसके नीचे है आप कमांड लाइन, कमांड लाइन के नज़दीक है आपके पास फीडबैक लाइन और सबसे नीचे हेल्प लाइन। सबसे बड़ा एरिया जो आपको बिल्कुल आपके सेंटर में दिखाई देगा वो है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में है आपके पास ग्रिड्स, फिर कॉर्नर में है आपके पास व्यू क्यूब, इनके बारे में हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसमें है आपके पास व्यू पोर्ट, मीनू, बारिक, व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, शो और इन्हीं के मीनू में काम आने वाले कुछ जो ऑप्शन है वो शॉर्टकट के तौर पे आपके पास यहाँ नीचे दे रखे हैं। अब हम मेनू बार से चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा फाइल मेनू। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू सीन। अगर आपने सीन में पहले से कुछ काम कर रखा है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कुछ काम नहीं किया है तो मैं अभी इसमें डोंट सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आप कुछ भी चीज पहले क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ से कुछ चीज़ अभी क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बारे में हम आगे वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर वापस फाइल मेनू में जाता हूँ। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है सेव सीन, सेव पे क्लिक करें, एक बॉक्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप अपनी फाइल का नाम लेकर, मैं फाइल का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। फाइल सेव हो चुकी है। फिर से हम फाइल मेनू में जाएंगे और इस बार हम ओपन सीन, यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो आप उसे भी खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल खोलता हूँ और ओपन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू फाइल, ओपन फाइल और सेव सीन के शॉर्टकट्स आपको स्टेटस लाइन में भी दिख जाएंगे बटन्स के रूप में। फर्स्ट बटन जो है न्यू सीन करने का, सेकेंड बटन है ओपन और थर्ड बटन है सेव करने का। न्यू फाइल करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें, सेव या डोंट सेव, डोंट सेव करते हैं, न्यू फाइल आ जाएगी। सेकंड बटन पे क्लिक करने पर आप कोई भी पहले की फाइल खोल सकते हैं। और सेव सीन, अगर आपने कोई चीज़ में एडिट किया है तो आप इस बटन के द्वारा आप अपनी चेंजेस को सेव कर सकते हैं।